मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अनबीटेबल हल्क को न जाने कितनी बार बवाल मचाते देखा है। एग्जांपल के लिए 2012 की दी एवेंजर्स मूवी को ही ले लो, क्या मस्त एक्शन था। जिसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक हमने हल्क को देखा अपने अलग ही फॉर्म में। बट एक ऐसा कैरेक्टर है जो हल्क को बुरी तरह से धो के सुखा सकता है और वो है एनिमे वर्ल्ड का वन पंच मैन। अब वन पंच मैन ने हमें बहुत से पावरफुल फीट्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में टॉप पे रखे हुए है। सो आज के इस वीडियो में हम शोडाउन करने वाले हैं हल्क वर्सेस वन पंच मैन के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं साइतामा की ओरिजिन के बारे में। तो उसने सीजन वन में खुद ही बताया था कि उसने अपने आप को बहुत इंटेंसली ट्रेन किया, जहां वो 100 पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करता था, साथ ही 10 किलोमीटर रनिंग एवरी सिंगल डे। इतना करने से उसको गॉड लेवल पावर मिल गई, बट धीरे धीरे वो टकला हो गया। अब देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइतामा की पावर्स लेवल को एक्शन में देख के ये नहीं लगता कि उसके पास सिंपल रॉ स्ट्रेंथ है। अब उसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट क्या है अभी रिवील नहीं किया गया है। देखो, मैंने चुपके से पता लगा लिया है कि उसके स्ट्रेंथ का रियल सीक्रेट क्या है, किसी को बताना मत। तो सुनो, तो साइतामा की स्ट्रेंथ का सीक्रेट ये है कि वो 4 गोले शिलाजीत रोज रात को अपने हर एक छेद में डाल के सोता है, इसलिए उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है और भी हर एक एंगल से। सॉरी। साथ ही उसके कुछ मेजर पावर्स की बात करें तो मर्दाना ताकत फिजिकल एबिलिटीज में उसके पास है अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ, अनपैरेलल्ड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन मुट्ठी दैट इज सुपर ह्यूमन पंचेस। अब इसे सुपर ह्यूमन पंचेस तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हर बार बढ़ती रहती है, तो ये सुपर ह्यूमन कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा बढ़ के है। इसके अलावा इसके पास है इनहेंस लीप, शॉक वेव जनरेशन आफ्टर इमेज क्रिएशन, सुपर ह्यूमन डेक्सटेरिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, इमेंस स्टेमिना जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग के कंपेरिजन में मिलियन टाइम्स ज्यादा है, सुपर नेचुरल सेंसेस, इनहेंस्ड लंग कैपेसिटी जिसका एग्जाम्पल हमने सीजन वन में देखा था जब वो मून पे चला जाता है और बिना सफोकेशन के कुछ सेकंड में वापस अर्थ पे आ जाता है, वैक्यूम एडाप्टेशन, टेम्परेचर रेजिस्टेंस जिसका एग्जाम्पल हमने मांगा में देखा था जब ये भाई साहब लावा में जाके हॉट टब के जैसे मजे दे रहे थे और उतने हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। हल्क की ओरिजिन की बात करें तो उसका रियल फॉर्म है ब्रूस बैनर, और बेसिकली ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट होता है जिसका काम था मिलिट्रिकली सुपर सोल्जर बनाना। बट एक दिन एक रिसर्च के दौरान ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है और उस इंसिडेंट ने ब्रूस बैनर की लाइफ बदल दी, और तब से ही वो जब भी गुस्सा होता है तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमने हल्क के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें हमने हल्क के ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर कर रखा है। सो इस वीडियो में हम हल्क के उन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे, बट अगर आपको हल्क के शोडाउन्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ हल्क ने थॉर, सेंट्री, हरक्यूलिस और वॉचर्स को भी हराया है और अपने एक फुट स्टेप से सिटी को डिस्ट्रॉय किया है, साथ ही साथ वो सन जितना वेट उठा सकता है। इसके अलावा हल्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो बड़े से बड़े अटैक्स को झेल सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने कई बार मूवीज में देख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब फेनरिस वॉल्फ ने हल्क के अंदर अपना घुसाया था, दांत घुसाया था, तब हल्क ने उसे एंडियोर कर लिया था। साथ ही साथ उसके पास जबरदस्त हीलिंग फैक्टर भी है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच चुका है और वो अपने स्केलेटन से खुद को रिजेनरेट कर चुका है। और अगर हम बात करें उसकी एक सबसे खतरनाक पावर के बारे में तो वो है उसका गुस्सा। उसका गुस्सा जितना बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो अभी शोडाउन के रिजल्ट की बात करें तो साइतामा ने मांगा में बहुत से अमेजिंग फीट्स दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ हल्क ने भी कॉमिक्स में आगमूत रखा है। बट अभी वन पंच मैन का मांगा कंटिन्यू है, तो मे बी आगे हमें साइतामा के और ज्यादा फीट्स और पावर्स देखने को मिले। तो मेरे ओपिनियन से शोडाउन का विनर होगा साइतामा, क्योंकि हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि हल्क अपने अपोनेंट से अब तक कई बार पिट चुका है, बट उसी के साथ हल्क ने अपने कई सारे अल्टरनेटिव वर्जन भी दिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, प्लैनेट हल्क, कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। सो अगर हम हल्क के अल्टरनेट वर्जन को ही ले लेते हैं तो तब साइतामा को हराया जा सकता है, बट उसकी इक्वालिटी के लिए साइतामा को भी कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। सो ओवरऑल हम साइतामा के सिर्फ एक वर्जन होने के कारण हल्क के भी मेन वर्जन को लेंगे, ना कि किसी और वर्जन को। दूसरी तरफ साइतामा की बात करें तो हमने अब तक कहीं भी उसको पिटते हुए नहीं देखा है, और सीजन वन के फाइनल बैटल में
हमने देखा कि साइतामा अपने सीरियस पंच से गैलेक्सी लेवल बीम को मार दिया था। अब आप ही सोचो, अगर साइतामा सिर्फ अपने एक सीरियस पंच से गैलेक्सी लेवल बीम को मार सकता है तो हल्क उसके लिए कुछ भी नहीं है, जब तक वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ना हो। अब इतना तो हम जानते हैं कि अगर हल्क जितना गुस्सा होगा उतना अपनी लिमिट सरपास करेगा। एक बार तो प्लैनेट हल्क कॉमिक सीरीज में उसने एक प्लैनेट के कोर को अपने हाथ से पकड़ लिया था और टेक्टोनिक प्लेट्स को पकड़ कर रखा था ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, और एक बार तो वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में चेंज हो गया था, जहां उसके एक स्टेप बढ़ाने से ही पूरा मैनहट्टन डिस्ट्रॉय होने लगा था। ऑन द अदर हैंड, साइतामा ने एक बार एक टाइटन को सिर्फ एक ही पंच में निपटाया था। साथ ही एक स्पेस क्रिएचर यानी लॉर्ड बोरस के साथ फाइट करते वक्त बोरस बोलता है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे हो, जिसका रीजन ये था कि क्योंकि साइतामा को अभी तक कोई वर्दी अपोनेंट मिला ही नहीं था जो कि उसके एक पंच या किक से सर्वाइव कर जाए, इसलिए वो अब तक मजाक ही कर रहा था। सो ओवरऑल इस शोडाउन का विनर है वन पंच मैन। तो ये था मेरा ओपिनियन साइतामा वर्सेस सुपरमैन के बीच के शोडाउन का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप गोकू वर्सेस सुपरमैन के बीच की शोडाउन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप साइतामा वर्सेस अवेंजर्स के बीच का शोडाउन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She said, do you love me?